जय श्री राम दोस्तों। तो कल है आंवला नवमी, तो जान लेते हैं उसके शुभ मुहूर्त के बारे में कि पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन आंवला नवमी मनाया जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इसका भी विशेष महत्व होता है। इस बार यह 21 नवम्बर को मंगलवार के दिन पड़ रही है। इस दिन दान धर्म का भी खास महत्व होता है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसीलिए इसकी पूजा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। इस दिन गुप्त दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दिया जलाया जाता है, परिक्रमा करके रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इस दिन पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने से आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। ये तिथि जो है बहुत ही शुभ होती है, इसलिए इस दिन कई शुभ काम करना शुरू किए जाते हैं। इस दिन दान पुण्य का महत्व सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में तुला दान करने के समान माना जाता है। यूं तो आंवला जो है भगवान विष्णु को काफी ज्यादा प्रिय है। संस्कृत में इसको धात्री फल कहलाने वाले आंवला वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आंवले का उपयोग हरे बहेड़ा के साथ किया जाए तो ये आपके समस्त उदर रोग यानी कि पेट से रिलेटेड जो रोग होते हैं उनसे निजात मिलती है। अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग का आरंभ हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दान, आंवला वृक्ष की छाया में भोजन किया जाता है। दीक्षा ग्रहण का शुभ मुहूर्त भी इसी दिन होता है। तो आइए जानते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय नवमी जो है वो 21 नवंबर 2023 को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 6:48 से लेकर दोपहर के 12:07 तक का। तो आप इस शुभ मुहूर्त में ही पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद यदि आप आंवले का सेवन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होता है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी आंवला नवमी के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सियाराम। और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।